मतलब पता है सत्ता में बहुत रेयर होता है कि हेलमेट तो छोड़ो बहुत रेयर वैसे ही है, लेकिन पुलिस वाले हेलमेट पहनो ये भी बहुत रेयर होता है। मैंने तो बहुत ही कम पुलिस वालों को देखा है जो रूल फॉलो करे और हेलमेट लगा के रखे हो। भाई आप लोग बताइए इनके साथ क्या करना चाहिए, पुलिस वाले खुद रूल फॉलो नहीं कर रहे, इनके साथ क्या होना चाहिए? नहीं भैया 3 गुना कर दो। BMW दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में मेरा सेम ऐसी घर है, सेम ऐसी एंट्रेंस है, सब कुछ है। और ये रहे हमारे छोटे मियाँ। क्या मौसम हो रहा है यार, मजाक कर रहा हूँ भाई, सत्ता में ही है, लेकिन ऐसा कोहरा, इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है, कैमरा में दिखाई नहीं देगा। मैं भी आपको आगे ड्रोन के शॉट दिखाऊंगा, उसमें समझ में आएगा। एंड बहुत दिन, आई थिंक लगभग 15 दिन से ऊपर हो गए कि मैं बाइक नहीं निकालूँ, तो आज तो यार बाइक निकालनी ही पड़ेगी, बिकॉज अभी ऑलमोस्ट कितने 11 बज रहे हैं। एंड ये खड़ी है बाइक, आज तो ये निकालनी ही पड़ेगी। ये देखिए 11:15 हो गए और मौसम तो क्या ही बताओ यार, गजब मौसम हो गया। और हम लोग क्या है कि टाइमिंग भी चेंज हो गई है, स्कूल्स को पहले 9 बजे खुलना था, अब जो टाइमिंग हो गई है वो 10 बजे की हो गई स्टार्ट होने की। ये भाई साहब को आप लोग देख लो अच्छे से, इनको सारी नींद एकदम क्या। ए एडियन, एडियन क्या बोल रहे हो, क्या हो गया, क्या हो गया, राइट पे चलोगे हैं? पता नहीं भाई, कुछ अभी बोल नहीं रहा गया। ट्रॉय भी ट्रॉय भाई यार सारा खुजली कर ले। तो चलो यार पहले ड्रोन के आप लोग शॉट देख लो, फिर आप लोग को कंटिन्यू करता हूँ बाइक पे, अपना आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। Does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with all these expectations. They keep weighing me down. I hope चालू हो जाए यार गाड़ी एक बार में, क्योंकि चल नहीं रही है गाड़ी, खड़ी हुई है बस। क्या बात है, क्या बात है, मेरे को तो फुल उम्मीद से धक्का देना पड़ेगा। तो यार गाड़ी हो गई है गरम, देख लेते हैं। हाँ लगभग 10,000 RPM तक आ गया है रेड लाइन। तो यार आज मेरे को जाना है, एक और काम है थोड़ा सा मार्केट में, मेरे को उसका टायर चेंज कराना है। पिछला वाला तो मैंने चेंज करा लिया था, बताइए कैसा लग रहा है टायर। 200 डाल दिया था मैंने, ये आगे का ग्रिप तो है बट मेरे को चेंज करवाना है, फिर मैंने दूसरा टायर मंगा के रख लिया था, तो दोनों मेरे पिरेली के लग जाएंगे, तो थोड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। तो यार चलो अब निकला जाए, थोड़ा स्कूल जाना है, काम वाम चलता है थोड़ा, तो चलो यार चला जाए। वैसे तो ग्लव्स वाला माहौल हो रहा है, लेकिन अब स्कूल तक ही जाना और मार्केट सतना में, मतलब जब मैं जाऊँगा तो दोपहर हो जाएगी, तो इतना कुछ दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए नो ग्लव्स। सोच रहा था थोड़ी पॉप होगी बट हुई नहीं, अभी एकदम जमे हुए होंगे ऑलमोस्ट टायर यार। कहाँ लगाया जाए गाड़ी,
थोड़ा काम वाम देख लिए, अब जा रहा हूँ धीरज भैया के शॉप, कुछ बिलिंग विलिंग का भी काम था तो बस उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ। एंड उसके अलावा वो मैकेनिक से भी बात करनी है यार, जो टायर खोलेगा एक्चुअली, जिस टायर वाले के यहाँ जाएंगे तो ब्रेक कैलिपर्स वगैरह ये सब तो वो खोल नहीं पाएगा, तो एक मैकेनिक है वो सीवीआर का मेरे काम करता था, पिछला टायर भी उसी ने करा था, तो बस उसी के यहाँ जा रहा हूँ अभी बात कर लूँ। ओ भाई क्या मौसम है यार, मौसम साइड दे दो भैया, सतना में आजकल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है चेकिंग वगैरह को लेकर, हेलमेट और ये सब रूल्स वगैरह। पहली बार सतना में सीट बेल्ट को लेकर चेकिंग करते हुए देखा, मतलब मैं कार से कल जा रहा था तो देखा तो सीट बेल्ट के लिए रोका, फिर लकीली सीट बेल्ट लगाया हुआ था कि दूर से दिख गए थे, तो रौनक था साथ में फ्रेंड, तो उसने बोला भाई लगा लो सीट बेल्ट की चेकिंग चल रही है, मतलब क्या बात कर रहा है सतना में सीट बेल्ट, मतलब मैं इतने साल में आज तक मैंने सीट बेल्ट के लिए तो नहीं देखा। हाँ रोके गाड़ी का आरसी चेक की, लाइसेंस चेक किए, बस हो गया। भाई बहुत ठंडा है, यार खोदना तो चालू कर दिया, कहीं कहीं पे बना भी दिया इन्हें, यहाँ तक आई थिंक 4-6 महीने तो लग ही जाएंगे। और ये देखिए पुलिस वाले विदाउट हेलमेट, बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है। इनको क्यों नहीं पकड़ते हो चेकिंग में यार, इनको पकड़ो ना चेकिंग में, 1,00,000 रुपए का चालान काटो इनका तो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखते अगर आगे चेकिंग लगी होगी इनको पकड़ते कि नहीं पकड़ते हैं। बढ़िया बुलेट राजा बन के जा रहे हैं, लेकिन कोई हेलमेट की दिक्कत नहीं है इनको। और जो नंबर प्लेट वाला भी था, कौन सा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट इनका, ये देखे भैया हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, इनके लिए ऐसा नंबर प्लेट आता है हाई सिक्योरिटी वाला, हमारे लिए नहीं आता, हमको अलग आता है, इनके लिए अलग ऐसा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, रहता है बट इनका कट जाए भरा चलाने 1 रुपए का भी। मतलब पता है सत्ता में बहुत रेयर होता है कि हेलमेट तो छोड़ो बहुत रेयर वैसे ही है, लेकिन पुलिस वाले हेलमेट पहनो ये भी बहुत रेयर होता है। मैंने तो बहुत ही कम पुलिस वालों को देखा है जो रूल फॉलो करे और हेलमेट लगा के रखे हो, मतलब पुलिस वाले भी 3-3 बैठ के जा रहे हैं, हेलमेट तो नहीं लगाते हैं, खैर क्या ही बोले, बट इनको वही सब चलता है इनका। भाई आप लोग बताइए इनके साथ क्या करना चाहिए, जो पुलिस वाले खुद रूल फॉलो नहीं कर रहे इनके साथ क्या होना चाहिए। क्या मौसम, एक तो बार बार मेरे चश्मे पे ना पूरा फॉग जम जा रहा है। हाँ भैया इस साइड आ जाओ, इस साइड बेकूफ साले, यार बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है यार आज, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है। घूम लो मार्केट में, देखो यार गियर नहीं शिफ्ट हो पा रहा है, मतलब क्विक शिफ्ट में पता नहीं क्यों जम गया क्या ठंड के कारण, पता नहीं फर्स्ट सेकंड नहीं लगा।
एच बी के शॉप जा रहा हूँ, आने ही वाले हैं उनके शॉप ब्रिज के, ये फ्लाईओवर के नीचे ही है। यार क्या मौसम है, एक बार तो यार ऊपर से होकर आया जाए, नीचे से जाना था मेरे को, बट एक बार थोड़ा ऊपर का माहौल तो देखे। वाह यार आज तो सतना हिल स्टेशन बन चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी हिल स्टेशन आए हुए हो। अब पता नहीं कैमरा में कितना जस्टिस होता है, बिकॉज कैमरा में कम ही जस्टिस होता है, रियल में देखने में इतना खूबसूरत और क्या मौसम लग रहा है, मतलब गजब हो गया यार आज तो। मतलब काफ़ी टाइम बाद यार ढंग का ठंड का मौसम देखने को मिल रहा है। कितने 1:30 बज रहे हैं, 1:35 हो गया है दोपहर के, और अभी ऐसा वेदर है, मतलब क्या बोलूँ यार, ये है राइड का मौसम प्रॉपर। मेरे को तो लग रहा है बस बाइक उठाओ और निकल जाओ यार कहीं, मतलब अभी भी ऑब्वियसली हाँ निकला ही हुआ हो, लेकिन थोड़ा साथ में और भी लोगों तो मज़ा आया यार घूमने में। रुक जाओ, आ गए अपन सिंह मशीनरी। हेलो भाई कहाँ घूम रहे हो? फोटो, फोटो। अरे तो ये धीरज भैया ने बोला यहाँ लाके बाइक लगा दो, तो यहीं पर थोड़ा इसका काम कर दिए। देखे ये वहाँ से निकाल के, ये देखे ये निकाल दी यहाँ से पूरा इसका टैंक पैड, और ये सामने पता नहीं कुछ नया डिजाइन बन चुका है, अब ये सामने पूरा कलाकारी चल रही है इसमें, होती जा रही कलाकारी बढ़ती जा रही है। एक्चुअली ये वाला निकाल के ये थोड़ा मैचिंग नहीं कर रहा था, बिकॉज रेड का कॉम्बिनेशन आ रहा था, मज़ा नहीं लग रहा था। अभी थोड़ा छोटा साइज का ये ब्लैक डालेंगे, देखते कैसे लगता है ये लगाने पे। सस्ता सुंदर टिकाऊ आइटम, पूरा ऐसा डिज़ाइन बन चुका है। और ये आगे लगा दिए टैंक पैड आगे, चलो हटा दिया गया, नहीं तो आगे लगाने का मूड हो रहा था इनका। मोबाइल वाले फालनी काम आ गए, थोड़ा थोड़ा यहाँ आ रहा है, हो गया। वो तो वो है ना, यहाँ तो छिपका नहीं था ना, कलर चेंज हो गया ना तुम्हारा इसका, ये येलो हो गया, ये वाइट, हाँ ये वाइट है, सही बात है, वो डल पड़ गया ना धूप लग के, ये बढ़िया चीज़ है। ये मैकेनिकल काम चालू, टेक्निकल एकदम। मेरा इतनी कहाँ औकात खरीदने की। ब्लैक ब्यूटी, अब चाय इसी बात पे हो जाए। अरे थे सर चाय की तलाश में, साथ में मिल गया हमको समोसा भी फ्री का, ये चल रही चाय। कैसे है समोसा? एक नंबर है, फ्री का है, फ्री का सब अच्छा लगा। फ्री का आइटम है इसलिए एक नंबर लगा। तो यार जिनको टायर चेंज करना था, मतलब खोलना था, वो बोल रहे कि भैया आज नहीं हो पाएगा, आज मैं हूँ नहीं, आज बंद है दुकान, तो अब कल आना पड़ेगा। धीरज भी के जान पहचान का था वो, तो बात हो गई अब कल के लिए बोल रहा है वो, तो आज तो यार अपना काम नहीं होने वाला कुछ, तो एक जो दिन के काम था बिल का वो सब तो निपटा दिए, अब वापस घर ही चला जाए। बट यार ये चेंज करना पड़ेगा मेरे को लगता है, देखो क्वालिटी अच्छी नहीं है, 450 का मिला और 450 लायक ही लग रहा है ये, देखो साइड से अभी से ही निकल रही है, ढंग से चिपक नहीं रहा है, तो मोटो ग्राफिक्स या किसी का ही अच्छे क्वालिटी का बड़ा साइज़ का लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे कवर्ड रहा है, बट मुझे ब्लैक में ही चाहिए और कोई कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए साथ में। तो चलो चला जाए घर।
इतनी भीड़। जाओ ना अंकल, लुक्स दे रहे अंकल, लुक्स मेरे को नहीं बट दे रहे लुक्स। सुबह से यार एक फ्रेंड के यहाँ जा रहा हूँ, आदित के यहाँ, और उससे मिल लिया जाए, पूछ लिया जाए शाम का क्या प्रोग्राम है। क्या हो गया भैया? 23 लाख? 23 23? नहीं भैया, 3 गुना कर दो। BMW? इसका लेने का मूड है, देखिए बाइक बोल रहा है 1 करोड़ में, लेकिन बोल रहा है अच्छा 1 लाख में। टायर सिर्फ, पूरा गाड़ी का नहीं मिलेगा इतना? एस्टर और आइटन दोनों चाहिए रहेगी साथ में, 1 लाख कैश, एस्टर और आइटन दोनों दोगे तो। कॉल कर लेना। देखो यार, पहला आदमी दिख रहा है मेरे को इतनी देर में, पता नहीं कितने लोग देख लिए होंगे, लेकिन पहला आदमी दिख रहा है जो हेलमेट लगाया हुआ है बाइक पे मेरे अलावा। और शाइन वाला हार्ड होते हुए फुल मूड में आ गया भाई, आज तो हरा के रहेगा। ठीक है भाई, हरा लो। हाँ भाई, पीछे वाला बता रहा है जल्दी निकाल, जल्दी निकल, आ रहा है, निकाल लो भाई, जीत गए। बोल धुआं छोड़ते हुए, इसको बोलते धुआं छोड़ते हुए निकलना, किसी को बोलते एग्जैक्टली वो देखो। तीसरा आदमी विथ हेलमेट, चौथा, वाह यार इस साइड फिर भी लोग दिख रहे हैं। अच्छा चेकिंग यहीं पे लगती है ना, वो चेकिंग वाली जगह एक्चुअली आने वाली जगह चेकिंग लग रही है आजकल, तो इसीलिए अब लोग थोड़ा हेलमेट में दिख रहे हैं यहाँ पे। तो भाई लोग घर आ गया, ऑलमोस्ट आ ही गया अपना घर। तो यार आज के व्लॉग में इतना ही, आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगेगा। सॉरी यार रेगुलर बेसिस पे व्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ, बिकॉज निकलना है, व्लॉग बनाना हो ही नहीं पा रहा है, तो सॉरी लेट डाल रहा हूँ, बट क्या करें ऐसे ही है। तो चलो यार, मिलता हूँ आप लोग से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।